रिप्रोडक्टिव पैटर्न इन एनिमल्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स वाट आर रिप्रोडक्टिव पैटर्न देन दी पेरस एनिमल्स ओवो वी वी पैरस एनिमल्स एंड द वी वी पैरस एनिमल्स स्टूडेंट्स सबसे पहले हैं बात करते रिप्रोडक्टिव पैटर्न रिप्रोडक्शन का तो आप सब सबको आइडिया है कि रिप्रोडक्शन से मुराद ये है कि फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का कंप्लीट एनिमल में डेवलप हो जाना ये सारे के सारे पास जब एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है तो उसको हम क्या कहेंगे ये रिप्रोडक्शन है यानी रिप्रोडक्शन के अंदर नया यंग वन पैदा होगा कैसे पैदा होगा एग फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंटल प्रोसेस फिर यंग वन ये हमारे पास सारी चीज़ें क्या कहते हैं ये ये रिप्रोडक्शन के डिफरेंट पार्ट्स हैं अब डिफरेंट एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के डिफरेंट पैटर्न्स में जो डिफरेंट जो, 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 जो वो पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं तो ब्रॉडली हम जो रिप्रोडक्टिव पैटर्नस हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि एनिमल्स तीन तरह से अपने जो रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को जो कंटिन्यू करते हैं दे आर थ्री पैटर्न में द फर्स्ट वन इज द ओवी पेरिटी द सेकेंड वन इज द ओ वीवी पेरिटी एंड द थर्ड वन इज द वीवी पेरिटी अब हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं ओवो वो पेरिटी ओविपेरिटी या ओविपेरस एनिमल्स ओविपेरस एनिमल्स आमतौर पर ऐसे एनिमल्स हैं विच ले एग्स यानी वो एनिमल्स जो एग्स ले करेंगे दे आर दी ओविपेरस एनिमल्स अब ओविपेरस एनिमल्स में अगर हम देखें जो फर्टिलाइजेशन है दैट मे बी इंटरनल दैट मे बी एक्सटर्नल जैसे फ्रॉग है फ्रॉग एग ले करता है उसके ऊपर जो मेल फ्रॉग है वो अपने पम्प स्प्रे करेगा तो एग्स बाहर आए और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है डेवलपमेंट का प्रोसेस भी एक्सटर्नल है रेप्ट बर्ड्स को देख लें आप बर्ड्स के अंदर एग तो ले होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल जबकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो क्या है एक्सटर्नल है तो इस तरह से इसमें फर्टेलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी होता है लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ओ वी एनिमल्स के अंदर हमेशा बॉडी से बाहर होगा इट विल ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एनिमल्स एग ले करेंगे और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है वो फिर क्या होगा कि बायर होगा जैसे रेप्टाइल्स आप आपके तो आमतौर तो पर एग्स को सैंड बरा के अंदर रख देते हैं बर्ड्स अपने एग्स को इनक्यूबेट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि ये एग ले ओवी पेरिस्क में इनवर्टिड्स के अंदर मोस्टली इनवर्टिड्स जो हैं देशो ओवी पेरिस्ट एवीपेटी वो बाकायदा अपने एग्स को ले करते हैं उसके बाद एग हैचोट होगा जबकि जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें हमारे पास ज़्यादातर केसेस में यानी बर्ड्स सारे के पैर, सारे ओविपेरस हैं और रेप्टाइल की अक्षरियत ओ भी पे ओ भी पेरस है इससे एम्फीबियंस में बहुत सारे ओविपेरस हैं कुछ विविपेरस भी हैं ओवोविपेरस भी हैं इससे फिशेस के अंदर एक्सरियली फिशेस के दे आर दी ओविपेरस ओवोविपेरस ओवोविपेरस एक कैसी कंडीशन है जिसमें एग जो है दैट इज केप्ट इनसाइड द बॉडी अच्छा एग इनसाइड के बॉडी रखने का मतलब यह है कि जो यंग वन है वो एग के अंदर ही डेवलप होगा वो मदर से कोई चीज़ हासिल नहीं करेगा यानी वो मदर के अंदर एग जो एग डेवलपमेंट है यंग वन की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बॉडी ऑफ द मदर होगी लेकिन वो आइसोलेशन में होगी आइसोलेशन का मतलब यह है कि यंग वन अपना तमाम फूड अपने एग से ही हासिल करेगा मदर से कोई चीज़ अपनी हासिल नहीं करेगा मदर से उस तरह से इंटरेक्ट जो वो नहीं करेगा वो बाद में जब उसकी डिवेलपमेंट कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर उसकी बर्थ हो जाएगी तो ओवी वी पैरिस में जो पैरिटी है या एनिमल्स हैं उसमें एग इज कैप्ट इन साइड द बॉडी एंड डिवेलपमेंट टेक प्लेस विद इन द एग हालांकि बॉडी के अंदर है लेकिन एग जो है वो उसी से ही सारा फूड हासिल लेने के बाद क्या होगा बर्थ हो इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम इसके देखें एनिलिड्स बहुत सारे एनिलिड्स जो होते हैं वो क्या है हमारे ओवो वीवी पैरिस हैं ब्रैकोपोर्ट्स हैं गेस्ट्रोपोर्ट्स हैं ये हमारे पास जो है वो ओवोवी पैरिस इनवर्टिडिट्स में अगर बात करते हैं सम रेप्टाइल्स एंड सम फिशेज दे आर ओ वो वी वी जैसे जैसे हम कहते हैं अक्सर जो स्नेक्स हैं कुछ स्नेक्स हैं जी वो बच्चे देते हैं अपने नहीं देते हैं वो बेसिकली अपने एग्स जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर रखती है जो फीमेल स्नैक है जब उसमें एग से बच्चा हैच आउट होता है तो फिर उसकी बर्थ हो जाती है वी वी एनिमल्स दीज आर दिनिमल्स ये एक ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें जो यंग वन है उसको मदर अपने बॉडी के अंदर रखती है और मदर उसको करती है मदर उसको क्या करेगी बाकायदा फीड करेगी डिवेलपमेंट इंटरनल एंड मदर न्यूरिश द वन डिवेल्पिंग फीटस आमतौर तो पर इस केस में हम जो यंग वन उसको है उसको फीटस कहते हैं यानी वो मदर से फूड ले रहा होता है अब अक्सरियत जो मैमल्स की है वो क्या है कि हमारे पास जो वो वी वी पेरस है यानी कि उसमें जो वो अपने जो, जो मदर से न्यूरशमेंट लेती है कुछ मैमल्स वो हैं जिसमें बाकायदा पलिसेंटा डिवेलप होता है तो उस केस में ये होता है कि जो पलिसेंटा है उससे मदर जो है वो अपने यंग वन को फीड करते हुमेन है जैसे ह्यूमन है ह्यूमन के अलावा जो बाकी मैमल्स हैं जैसे हमारे पास जितने भी ये यानी कि दूध देने वाले जानवर हैं काउस हैं बफलोस हैं इसके अलावा लाइन्स हैं डीयर्स हैं हॉर्सेस हैं ये सारे, सारे के सारे हमारे पास क्या दी प्ले सेंट्रल मैमल्स हैं यानी ये वी वी पैरस हैं अच्छा कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं दे आर ऑल्सो वी वी पैरस आमतौर तो पर जो प्ले सेंट्रल मैमल के अलावा वी वी पैरस हैं उसमें ये होता है कि जो यंग वन है वो अपनी मदर के जो उसके जो लाइनिंग है मदर के जो बॉडी जो होती है उसको क्या कहता है उसमें से सिक्रीशन निकलती है उसको फीड करता रहता है इसमें विश्वसर बात फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन मदर जो है उसके जो यूट्रस है या मदर के जो बॉडी वाल है वो न्यूट्रिशन न्यूट्रीशन सिक्रीट करती है जिसको यंग वन जो है वो लेता है उसके बाद उसकी बकायदा बर्थ होती है बाद में वी वी पेरस एनिमल्स इनवर्टीब्रेड्स में एग्जाम्पल स्कॉर्पियंस हैं जबकि वर्टिब्रेट्स में मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैं सम फिशेज आर आल्सो वीवी पेरस फिशेस में हमारे पास एलैसमो ब्रांक जो है एलैसमो एलाइसमो ब्रैंकी जो है ये बेसिकली क्या है ये देर वीवी पैरस एनिमल्स